कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ये कोई शॉट नहीं है। क्या सीन है? अरे देवा, खींच मेरी फोटो तू, खींच मेरी फोटो तू, खींच मेरी फोटो पिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में HAL के अपने दौरे के दौरान लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। इसकी कुछ तस्वीरें वीडियो सामने आए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरें साझा करते हुए कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जब लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भर रहे थे तो उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है जिसमें वो आसमान में ही कैमरामैन को हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर विपक्ष जोरदार तरीके से मोदी का मजाक उड़ा रहा है। इस वीडियो को साझा करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीनिवास बीवीजी लिखते हैं कि बादलों के ऊपर पहली बार किसी को हाथ हिलाते हुए देखा है क्या? आप किसी और पनौती को जानते हैं जो हवाई जहाज में बैठकर कैमरे के लिए ये सब करता हो? वहीं इस वीडियो को अन्य लोगों ने भी साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि वो बादल के ऊपर हैं, उन्हें कोई बताओ, वो राडार पर नहीं दिखेंगे और खो जाएंगे। मोदी जी का साइंस है ये। एक गुजर ने लिखा कि आई गेस द PM वेव्स हैंड्स व्हाइल ही इज स्लीपिंग एज वेल। एक गुजर ने लिखा कि उन्हें पता है कि ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा इसीलिए। दूसरे गुजर ने लिखा कि आदत से मजबूर है। रोशन पुरिया नाम के गुजर ने इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा कि आसमान में मोदी जी हाथ क्यों हिला रहे हैं। प्रदीप गुप्ता जी लिखते हैं कि क्या मोदी जी के पास प्लेन उड़ाने का लाइसेंस है? क्या मोदी जी ने पायलट का कोर्स किया है जो आज वो पायलट बन गए हैं और उन्हें तेजस फाइटर प्लेन उड़ा दिया? रोशन पुरिया जी लिखते हैं कि मुझे तो इनके पायलट बनने पर शक हो रहा है। अरे भाई, मोदी जी पायलट की बराबरी वाली सीट पर बैठे होंगे, आपको क्या लगता है? विक्रम लोहिया नाम के उज्जैन ने लिखा कि क्या मोदी जी लड़ाकू विमान से मणिपुर जा रहे हैं या उत्तराखंड की सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने जा रहे हैं या फिर सिर्फ मजे ही ले रहे हैं? वहीं इस वीडियो को साझा करते हुए अदनान मियां जी लिखते हैं कि फोटो जी भी हैं। जावेद खान जी लिखते हैं जयपुर इलेक्शन का इनडायरेक्ट प्रचार। इमरान नाम के यूजर ने लिखा कि विश्व कप उड़ाने के बाद साहब तेजस उड़ाते हुए। दूसरे यूजर ने लिखा कि राजा बाबू का एक नया अवतार। फिलहाल दोस्तों, वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।